Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will study about some remaining portion of the physiology of digestion and absorption comes under the topic of digestive system. देखिए डाइजेस्ट सिस्टम का ओवरव्यू में डाइजेस्ट सिस्टम बना होता है एक लॉन्ग हॉलो मस्कुलर ट्यूब का और उसके एसेसरी ग्लैंड का. इसको आप हॉलो मस्कुलर ट्यूब भी कह सकते हैं, मस्कुलर कैनाल भी कह सकते हैं, मस्कुलर ट्रैक्ट भी कह सकते हैं. इसी को पूरे को एक साथ अपन GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं. लगभग ये 5 मीटर लंबा होता है ये ट्रैक्ट, ये ट्यूब जो है 5 मीटर लंबी होती है. और इसकी एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स आती है, लिवर आता है, गॉल ब्लैडर आती है और पैनक्रियाज आते हैं. हालांकि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पर इसके थोड़ा सा एक अलग मेथड जो है मैं अभी इन क्लासेस में आपको बता रही हूँ. थोड़ा सा लिखने का थोड़ा अलग सिस्टम या अलग वे जो है वो आपको अभी इसमें मिलेगा. बाकी तो अपन ये पढ़ तो रखा ही है. तो डाइजेस्ट सिस्टम का ओवरव्यू पूरा दिखाया गया है. देखो अपन ये जो पूरा लेफ्ट में जो डायग्राम अच्छे से पिक्चर्स बनी हुई है उसको राइट में इस तरह से भी इंडिकेट कर सकता है कि ये माउथ है, माउथ से जुड़ी हुई सलाइवरी ग्लैंड्स, देन ये माउथ ईसोफेगस में जा रहा है, ईसोफेगस स्टमक में खुल रहा है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ना केवल स्टमक बल्कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास. मैं ये राइट साइड वाला डायग्राम डिस्क्राइब कर रही हूँ भाई. तो लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास ये सब भी स्टमक के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं और अपने डिस्चार्जेस को इसमें डालते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और रेक्टम एनस से होता हुआ बाहर एनवायरमेंट में प्रोडक्ट को जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करता है. ये स्कीमेटिक डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का. इसके बाद यहाँ जो लेफ्ट साइड दिखाया हुआ है तो ये आप देख ही सकते हैं कि भाई ओरल कैविटी बताई गई है कि माउथ जो है वो ओरल कैविटी में खुलता है. इसमें टंग होती है और 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. ये सारा ट्रैक्ट फैरिंग्स में खुलेगा, फैरिंग्स ईसोफेगस में खुलेगी. फिर यहाँ पर ईसोफेगस को ये बड़ी ट्यूब के फॉर्म में दिखाया गया है. ये ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब है जो कि खुल रही है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्टमक कहते हैं. स्टमक के पास में लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास आपको दिखाई दे रही है. ये स्टमक का इलैबोरेटरी डायग्राम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे ईसोफेगस खुल रही है उसको कार्डियक ऑरिफिस खुल कहते हैं, और स्टमक जिस पार्ट से इंटेस्टाइन में खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है, उसको अपन पाइलोरिक स्फिंक्टर वहाँ पर पाए जाते हैं जो कि फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं. फिर ये ड्यूडेनम में खुल रहा है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुल रही है. लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है, असेंडिंग पोर्शन दिखाया हुआ है, इलियम दिखाई गई है, सीकम दिखाया गया है और अपेंडिक्स दिखाई गई है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और रेक्टम एनस के थ्रू बाहर खुल जाता है. ये डाइजेस्ट ट्रैक्ट का ओवरव्यू है कि GIT बना होता है ओरल कैविटी या जिसे आप आम भाषा में मुँह कहते हो, माउथ से, देन फैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. ये चीज़ें आपको याद हो चुकी है इस क्लास तक, हालांकि पहले भी याद थी पर फिर भी. अब देखिए एनाटमी अपन वॉल की देख रहे हैं कि वॉल किस किस की बनी होती है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल देखिए, ये अंदर तो ल्यूमन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बताया गया, इसका पार्ट काट के दिखाया गया, सेक्शन दिखाया गया है. तो ये इंटेस्टाइनल की वॉल देखिए आपको कैसी दिखाई दे रही है, विल्लाई फॉर्म में. तो इस विल्लाई को बड़ा करके दिखाया गया है इस डायग्राम के अंदर कि विल्लाई के बेस पे लिम्फ वेसल्स है, आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल हैं. उसके बाद यहाँ पे पास में इनके दीवारों के सटी हुए इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, गॉबलेट सेल जो म्यूकस का सिक्रीशन करेंगी, ये ब्लड कैपिलरीज है, बीच में लैक्टियल है और ये ऊपर पूरी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको विल्लस कह रहे हैं. इस डाइजेसिव ट्रैक्ट का मेन फंक्शन क्या है? तो 4 मेजर एक्टिविटीज GI ट्रैक्ट करता है, मोटिलिटी, सिक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. मोटिलिटी, सिक्रीशन ऑफ जूसेस लाइक सलाइवा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. मोटिलिटी में ये फूड को लेकर के जाता है माउथ से रेक्टम तक, प्रोपेल करता है, जो इंजेस्टेड फूड है, जो फूड आपने खाया है उसको प्रोपेल करेगा, उसको धकेलेगा मुंह से लेकर रेक्टम तक. दूसरा जूसेस का सिक्रीशन जैसे सलाइवा से, ये क्या करता है, सलाइवा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं. ये जूसेस हैं ये जो सिक्रीशन से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं. थर्ड फंक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डाइजेशन.
जिसमें लार्ज फूड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्बेबल स्मॉल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, ब्रोकन डाउन किया जाता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये टूट गए तो अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा किसका, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर हैं, वो सब के सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं जीआईटी में, या आप कहिए जीआईटी के ल्यूमन से ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम तक। न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, इसको अपन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये देखिए, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के ल्यूमन दिखाई गई है, फूड आपने खाया, ये फूड जब स्टमक में गया तो ये डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ये छोटे छोटे टुकड़े जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक के वॉल्स एब्जॉर्ब हुए, इंटेस्टिशियल फ्लूड में गए, इंटेस्टिशियल फ्लूड से ब्लड में चले गए, और प्लस यहाँ पे सीक्रीशंस आते हैं, जो सीक्रीशन डाइजेस्टिव ट्रैक के ल्यूमन में भी जाते हैं, इंटेस्टिशियल फ्लूड में भी जाते हैं, ब्लड में भी जाते हैं, सीक्रीशन बताए गए हैं। और यहाँ पर मोटिलिटी भी आगे चल रही थी, स्पोर्ट्स की जो वेस्ट मटेरियल वो आगे जा करके मोटाइल हो जाएगा। तो बस ये जो है आपका, हमने जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन ये वाला मैकेनिज्म, ये प्रोसेस आगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे, अभी और भी चीज़ें होंगी, क्योंकि एक एक स्टेप हमारे को पढ़ना है, एक एक स्टेप के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से फूड किस किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहे हैं, किस किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आप ये एक्चुअली मेरा ये पढ़ाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो इस तरह से बताएगा ना डायग्रामेटिकली, इसी तरह से आप भी एग्ज़ाम में जो हैं अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा अच्छा लगे आपका आंसर, इम्पैक्ट अच्छा पड़े एग्ज़ामिनर के ऊपर। तो इसलिए मैं जो चाह रही थी, हालांकि चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, पर फिर भी ये रीज़न ये है इसको दोबारा से करवाने का मुझे। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।